रोहतक में इंसानियत को शर्मसार करता एक मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी और बच्ची को जिंदा जला डाला। दरअसल पूरा मामला रोहतक के सलारा मोहल्ले का है, जहां आरोपी राजेश ने सुबह तकरीबन 3:30 बजे 28 वर्षीय मंजू और 3 वर्षीय बेटी भारती को कमरे में बंद कर जिंदा जलाकर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के PGI भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का गैर जिम्मेदारा बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम ना होने की बात कहकर फीस नहीं देने की बात कर रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन करवाएं और सभी सुविधाओं का लाभ पूरी तरीके से मिलेगा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि सरकारी स्कूलों में आपकी बच्ची की शिक्षा सही तरीके से दी जाएगी, क्योंकि हमारे सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक तैनात है। मैं उन स्कूलों में गरीबी नहीं करने दूंगा, लेकिन फीस ना देने की बात मैं नहीं कहूंगा। आज एक ही लड़ाई चल पड़ी है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ किया जाए या कम किया जाए या ज्यादा किया जाए। हम किसी को माफिया करके तो नहीं करने देंगे, लेकिन जो लोग अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर मानते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाएं और सरकारी जो स्कूल है उनका भरोसा देना सीखें। आपके विश्वास को कायम हम रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लुधियाने के धनपुरा क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों ने एक घर पर फायरिंग की, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके स्थल से पुलिस ने कारतूस के 3 खोल भी बरामद किए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वही पीड़ित परिवार की रीटा शर्मा और कुलभूषण शर्मा ने बताया कि रात करीब 1 बजे एक स्कूटर और मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोग उनके घर के बाहर आए। उन्होंने घर के दरवाजे के साथ छेड़छाड़ की। उसके बाद आरोपियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। उन्होंने किसी के साथ रंजिश होने से इनकार किया है। मौका स्थल पर पहुंचे SP वरियाम सिंह ने बताया कि मौका स्थल से पुलिस ने कारतूस के 3 खोल बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान की जा रही है। मामला पुरानी रंजिश का भी प्रतीत होता है। मामला है, रात 1:30 बजे के करीब फायरिंग हुई थी इस करके, रात भी ऐसी आई थी, हुण भी इस करके है। इन्हों के घर वालों का एलीगेशन यह है कि असी सुते पे सी ते बाहरों फायरिंग हुई, जिस दे नाल 3 खोल बाहरों मिले ने ते 2 सिक्के अंदरों मिल चुके हैं। तो इन्हों की स्टेटमेंट लिख ली है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। रंजिश इन्हों की डायरैक्टली रंजिश नहीं हैगी कोई, पर इन्होंने मुंडे ने पहलो इंडियन समर के तुम याद होना मनी बैंस की कुटमार की, वो इन्हों का आपसी चलता पहलों ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਹਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। 5 ਜਣੇ ਸੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਆਈ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾਲ, ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਾਨੂ ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਏ, ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਭੱਜ ਗਏ। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में टाइगर का आतंक देखने को मिला। जनपद पीलीभीत के टाइगर रिजर्व का माला रेंज की रिछोला चौकी के पास एक टाइगर का आतंक वन विभाग के लिए सिरदर्द बन चुका है। टाइगर ने घर के बाहर बैठे युवक को निवाला बना लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत होने से गाँव वालों में हड़कंप मच गया। गाँव वालों ने युवक का शव लेकर हड़कंप मचा दिया। परेशान होकर लोगों ने वन विभाग के रिक्शा वाला चौकी समेत रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने वन विभाग की सभी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी, साथ ही वन कर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को मुश्किल से शांत कराया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही ग्रामीणों के ना मानने पर पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद लोग भाग गए।
ये थाना गजरौला क्षेत्र में एक टाइगर अटैक में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु पर ग्रामीणों में भावावेश में आकर फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस पर कुछ वहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इसके पश्चात मौके पर पुलिस बल पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। पुलिस ने हल्का न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। स्थिति यहाँ पर पूरी तरह नियंत्रण में है, मौके पर पुलिस बल फिलहाल तैनात है। बिहार के सहरसा जिले में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पुष्टि की है। वहीं अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है, जिसमें से 57 लोग इलाज के दौरान ठीक होकर घर जा चुके हैं। बाकी 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले की आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अभी तक जिले से कुल 2230 लोगों का सैंपल जाँच के लिए लिया गया था, जिसमें से 1887 की जाँच रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 1743 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। वही 136 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। वही जिला पद अधिकारी कुमार कौशल ने बताया कि जिले में अब मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। इस मशीन के द्वारा प्रतिदिन 25 से 30 लोगों की जांच जिले में ही की जाएगी। अभी 21 पॉजिटिव केसेज और सामने आए हैं, इसमें 12 केसेज ऐसे हैं जो पूर्व के पॉजिटिव का ही पॉजिटिव आया है सैंपल के बाद, और 9 फ्रेश पॉजिटिव है। इस प्रकार टोटल पॉजिटिव केसेस की संख्या जिले में कल 93 था, आज 102 हो गया है। कल तक 51 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था जो ठीक हो गए थे। आज 6 और पॉजिटिव जो हैं उनका सैंपल रिपीट सैंपल नेगेटिव आया है, वो ठीक हो गए तो उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस प्रकार टोटल ठीक हुए मरीजों की संख्या 57 हो गई है। तो टोटल पॉजिटिव केसेस 102, ठीक होने वाले 57 हैं। दोनों को घटाने के बाद टोटल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में आज के डेट में 45 है, जिसका इलाज कर्पूरी छात्रावास में चल रहा है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नगर आयुक्त विजय कुमार ने जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में सभागार में सभी संबंधित अधिकारी सहित गहन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सभागार में डीएम चंद्र विजय सिंह की अगुवाई में मीटिंग हुई, जिसमें मजदूर कामगार जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन क्या इसका सही क्रियान्वयन हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं निगम फिरोजाबाद के नगर आयुक्त विजय कुमार और जिला अधिकारी फिरोजा के सराहनीय पहल से गरीबों के चेहरे खिलना स्वाभाविक है। बहरहाल जिलाधिकारी ने इस बैठक के संबंध में हमसे बात करते हुए क्या कहा वो भी सुनिए। शहर में या नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी अगर स्ट्रीट वेंडर है या कोई भी ठेला रेडी वाला है या कोई भी इस तरह का सर्विस जो करता है, नाई की दुकान या पान की दुकान या इस तरह का कोई भी आदमी है, उसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या किसकी क्या जिम्मेदारी है, बैंक की क्या जिम्मेदारी है, तो उसके बारे में अवेयर करने के लिए ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। और इसमें सभी को बताया गया है कि किसके क्या रोल हैं और किस तरह से बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है कि 10,000 का लोन लोगों को मिलना है, जो लोग नगर पालिकाओं में या नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं रेडी पटरी के व्यवसायी के रूप में, और उनको किस तरह से अभी स्कीम की गाइडलाइन और विस्तृत में हम लोगों के पास आने वाली है। सहरसा जिले के समा हरलाले से जिले के सभी प्रखंड के लिए जिला अधिकारी कौशल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जिले में बढ़ते संक्रमण रोकथाम के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया गया, ताकि लोग कोरोना जैसे खतरनाक संक्रमण से बचे रहें। वही जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले के हर प्रखंड के लिए एक एक गाड़ी रवाना की गई है, लोगों को मास्क के संबंध में जागरूक कर रहे हैं ताकि संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। अभी हम लोग हर प्रखंड के लिए एक गाड़ी रवाना किए हैं, इसमें लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता के संबंध में हम लोग जानकारी दे रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क पहनना भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमण का खतरा भी बरकरार है और मास्क ही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोग इस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं। आज के डेट में 3,00,000 मास्क दीपिका देवी सप्लाई कर चुकी हैं पंचायत मुखिया जी को, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फरुखाबाद में 2 कोरोना के संदिग्धों की मौत हो गई। दोनों संदिग्ध प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। वही एक संदिग्ध का जिला अस्पताल लोहिया में कोविड-19 की जांच हुई थी। जांच के बाद मरीज के परिजनों ने प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया था। दोनों संदिग्धों का प्रशासन की देखरेख में शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट में अंतिम संस्कार कराया गया। वही स्वास्थ्य विभाग की टीम और सिटी मजिस्ट्रेट दाह संस्कार के समय मौजूद रहे।
यूपी के बागपत के खकेड़ा थाना क्षेत्र स्थित बड़ा गांव में रुपए के लेन देन को लेकर सोमवार की देर शाम हुई रेशु त्यागी की हत्या की घटना के आरोपी शातिर अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 11 घंटे में घटना के मामले की जाँच करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर लूट, हत्या, गैंगस्टर सहित दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। घायल अवस्था में बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल शाम को बड़ा गांव क्षेत्र में एक रेशु नाम के व्यक्ति की हत्या की थी इस बदमाश ने। इसका नाम पुनीत है। ये पहले से ही कई एक मुकदमों में वांछित था, कई मर्डर के और सब मुकदमे में वांछित था। ये काफ़ी इसका यहाँ पे दबदबा था। इस बात पे हमारी टीमें इनके कॉम्बिंग में लगी रहीं। कॉम्बिंग में ये सुबह जब इसको यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखने के बाद हमारी टीमों ने इसको पकड़ने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पे फायर किया। उसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाईं जिस पे इसके पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में इसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। वैशाली के जंदहा महानार मुख्य मार्ग की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। सड़क की ऐसी दुर्दशा जंदहा से लेकर महानार रोड रेलवे स्टेशन के पास तक बनी हुई है, लेकिन इस टूटी फूटी सड़क के बीच रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर उत्तर चौर में बने दो सड़क पुल की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। पुल के दोनों सिरों पर बनाया गया घेरा अब नष्ट हो चुका है, जिससे आए दिन अनहोनी होने की समाचार मिलती रहती है। आपको बता दें कि ये सड़क पुल जमीन से काफी ऊंची है। सड़क काफी संकरीन है जिसके कारण ये जानलेवा बनी चुकी है। आपको बता दें कि सड़क की कई बार मरम्मत भी की गई, मगर पुल को वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण वहाँ से गुजरने वालों के लिए बेहद खतरनाक ये बताया जा रहा है। पुल की स्थिति दयनीय है। कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इसमें गिर गए हैं कई लोग। जब से सड़क बनी है, मतलब अब तो ये अंग्रेज के जमाना का पुल है, तो इससे गुजरते वक्त डर भी लगता है। डर तो लगता है। कई आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, कई बार इधर गिर गए हैं, कई इधर गिर गए हैं। ये लगभग 2.5 साल से इस रोड का ये कंडीशन है। अच्छा, साइकिल चलना भी मुश्किल हो जाता है इसमें, और बहुत सारी समस्याएं हैं। रोड देख रहे हैं कि कहीं कहीं गड्ढा है, और इसमें पैदल साइकिल सब मरीज वगैरह सब लेकर के लोग आते जाते हैं। व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो आलू प्याज हाट बाज़ार में लेकर के आते हैं और बेचते हैं। इससे गरीबों का रोजी रोजगार इस रास्ते में रहने के कारण चलता रहता है। देख रहे हैं कि ये लगभग 25-30 फीट गड्ढा है, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा नज़र आ रहा है, और इसमें अगर किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना हो जाती है तो इससे नकारा नहीं जा सकता है, कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है।